हमारे देश को कुदरत ने सुंदर जीव जंतुओं की वो असीम सौगातें दी हैं, जिससे न सिर्फ हमारे आसपास का माहौल खुशनुमा बनता है, बल्कि इनकी मौजूदगी से देश विदेश में अपने देश की एक अलग पहचान बनती है। उन्हीं में से एक है मैना पक्षी। मैना पक्षी मूल रूप से भारतीय पक्षी है, बाद में इनका फैलाव भारत के अन्य पड़ोसी देशों में हुआ। भारत में इस समय मैना पक्षी की 8 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ मैना की प्रजातियां बहुत ही सुंदर होती हैं। आप इस वीडियो में जिस मैना को देख रहे हैं, यह गंगा मैना है। इसे अंग्रेजी में बैंक मैना भी कहते हैं। यह संघ कालडेटा के एवीज वर्ग तथा गढ़ पैसेरी फार्मिस के स्टर्निडी या स्टर्लिंग परिवार की सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम एक्रिडोथेरेस जिंजीनियनस है। इसे कुछ स्थानीय लोग गंगैया गलगलिया भी कहते हैं। यह लगभग 11 इंच लंबा काले भूरे रंग का पक्षी है और पूरे भारत देश में खास तौर से मानव बस्तियों व नदियों के आसपास पाया जाता है। इनकी आवाज बहुत तेज होती है। ये अपने घोंसले अक्सर झाड़ीदार वृक्षों व खंडहरों के छिद्रों में बनाते हैं। इनका प्रजनन काल अप्रैल से जुलाई माह तक रहता है। मई व जून माह में ये 4 से 5 अंडे रखते हैं। इनके अंडों का रंग आसमानी नीले या हल्के हरे रंग का होता है। मादा अंडे को सेती है, फिर 13 से 14 दिन में उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। अंडों से निकले हुए चूजों की 5 दिन बाद आंखें खुलती हैं। इस बीच माता पिता द्वारा बच्चों की खास देखभाल की जाती है। इन्हें रात विश्राम के समय समूहों में देखा जा सकता है। यह एक सर्वभक्षी चिड़िया है जो अनाज के दानों के साथ साथ कीट पतंगों का भी भक्षण करती है।